नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये फ़ैन की जो मोटर थी वो वारंटी पीरियड में मेरे शॉप में आई थी जो कि बंद पड़ चुकी थी, और ये अभी नई मोटर मुझे होलसेलर से मिल चुकी है जो कि मुझे कस्टमर को फिटिंग करके देनी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो बॉडी रहती है किसी भी टेबल फ़ैन की, उस टेबल फ़ैन के बॉडी को ये मोटर अच्छे से कैसे फिट किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नीचे के साइड का नट जो रहता है, हमें ये होल में डालना है कुछ इस तरह से। ये जा चुका है अभी, उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे के साइड में छोटा सा होल है, इस होल में हमें एक पिंच डालनी होगी ताकि ये ऊपर ना आ सके। तो चलिए, मेरे पास स्पेयर पार्ट्स है जो कि फ़ैन फिटिंग के समय में ही मुझे लगे थे, मैंने निकाल के रखे थे कस्टमर के ताकि ये काम पे आ जाए मेरे को। ये देख सकते हैं अभी आप, हाँ यहाँ पर देखते हैं, यह हमें इस होल में बैठाना है। तो मैं कुछ इस तरह से इस होल में इसको बैठा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका पिन फिट किया है। पिन फिट करने के बाद हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पिन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी तय किया है, थोड़ा सा टेढ़ा करें ताकि ये होल से बाहर आ ना सके। तो चलिए अगली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ़ैन की अगली प्रोसेस में फ़ैन को फिट कैसे करना है। ये आप अभी मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये पीछे के साइड में लगने वाला है, ये जो पीछे की साइड है यहाँ पर ये लगेगा। अभी हम इसको आपको बैठा के दिखाएंगे, ये कुछ इस तरह से फिटिंग होता है। आप देख सकते हैं इस नट में कुछ इस तरह से फिट होगा। तो चलिए इसके स्क्रू जो है हम अभी टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको तीन नट्स आते हैं, जो कि ये साइड में से दो है और ये साइड में से नीचे की साइड से एक है। ये तीनों भी नट्स मैंने अभी फिट किए हैं। तो चलिए अभी हमें ये वायर जॉइंट करना है। अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रहता है इसका हमें सेटिंग करना पड़ता है, जैसे कि देखिए आप, मैं बताते हैं आपको। ये देखिए अभी मैंने इधर बैठा लिया है नीचे और ऊपर की साइड को, लेकिन ये बस इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें वाइसर डालना पड़ेगा जो उसकी पित्तल के रहते हैं। उसके बाद एक नट भी है मेरे पास जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, अभी ये हमें डाल के नट ये अच्छे से टाइट करना पड़ेगा जैसे कि बैठ जाए ठीक से। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने इसका नट जो है टाइट कर लिया है, जो कि मोटर को और इसको अच्छे से पकड़ सकता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी ये पीछे की साइड तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, आप चलते हैं अगली की साइड में, अगले का हमें कुछ कुछ फिट करना अभी देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट में ये आता है, इसको इस तरह से डालना होगा, और ये जो हमें फर्स्ट में ये चार होल दिख रहे हैं, ये चार होल्स में चार नट्स डाल के हमें इसको टाइट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको फिट कर लिया है, अभी इसके अगली प्रोसीजर ये रहेगी कि इसके सामने जो रहता है और वो जाली आ जाती है, फ़ैन की जो जालियाँ रहती है दो की, वो एक आगे की साइड में पीछे की साइड में, आप देख सकते हैं ये जालियों के सामने मैंने अभी एक फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें इसके अगली प्रोसीजर मैंने बताई है कि फ़ैन को कैसे फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारा ये वीडियो था कि आपको किस तरह से मोटर को उसका बॉडी के साथ फिट करना चाहिए इस बारे में। अभी हम बात करते वायरिंग की। तो फ्रेंड्स हमें ये जो पूरी वायर्स है इसकी सेम टू सेम वायर्स हमें यहाँ दिख रही होंगी, तो हमें एक काम करना रहता है कि इन वायरों को इन सेम वायरों से मैच करके टेप लगाना रहता है, उसके बाद ये मोटर फुल्ली चलना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बैठा लिया है मोटर को, आप भी इस तरह से फ़ैन की मोटर बदल सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अगर देखना है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय करते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।